जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था असम राइफल वाशरमैन ट्रेड टेस्ट के लिए, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में वाशरमैन ट्रेड टेस्ट और उसके रिटर्न एग्जाम रिटर्न का पैटर्न के बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। जल्दी जल्दी चलिए आ जाइए कि आपका कैसा, पहले बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपका वाशरमैन का ट्रेड टेस्ट है, आपने वाशरमैन का फॉर्म भर दिया है, तो वाशरमैन का जब आप फॉर्म भर दिए हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, असम राइफल में फिजिकल देना होगा। फिजिकल के बाद आपको, फिजिकल जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो वहां पे आपका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। जब जितने कैंडिडेट पास हो जाएंगे रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे, ले जाया जाएगा लाइन में लगा करके, उसमें से ग्रुप बना बना के पूछा जाएगा, प्रश्न पूछे जाएंगे ट्रेड टेस्ट के रिगार्डिंग। तो ट्रेड टेस्ट उसी को बोलते हैं कि आपके ट्रेड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वाशरमैन के, तो वाशरमैन से कुक से है, कुक सफाई नर्सिंग असिस्टेंट, जिस स्टेट से है उस स्टेट से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका यहाँ पे जो नोटिफिकेशन अब की बार का 2022 का मेरे पास है और वाशरमैन का मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि आपको मोटा मोटा पता चल जाए कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का ट्रेड टेस्ट होता है। और आप पेन पेपर पेंसिल जो भी कॉपी पेपर लेके बैठना है, बैठ के और लिखते रहिए। और हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम द सदर्न स्टेट, आई एम अनेबल टू मेक होल वीडियो इन इंग्लिश बिकॉज द मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस आर एबल टू अंडरस्टैंड ओनली इन हिंदी लैंग्वेज, सो अपोलोजाइज फॉर दिस। तो चलिए इसमें जानते हैं कि आपका वाशरमैन कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि अब यह जो वीडियो असम राइफल हो, GBSF हो, CISF हो, ITBP हो, SSB हो, सबके लिए यही क्वेश्चन ऐसे ही टाइप के पूछे जाते हैं ट्रेड टेस्ट में। तो उसमें पूछ देंगे कि जो पहले के धोबी होते थे, आप देखते थे कि पहले क्या होता था, कपड़े को उठा उठा के पटक पटक के धुला जाता था, तो उसका कारण क्या है, कारण पूछ देंगे। उससे क्या होता था, वो किस प्रिंसिपल पर है, और अब कैसे कपड़ा धुला जाता है, क्या मॉडर्न टेक्निक है, किस तरीके से कपड़े को धुला जाता है। अब जब इस पे बात हो गया तो आपका क्या आ जाता है, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुल जाता है। तो वॉशिंग मशीन आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वॉशिंग मशीन आपका कैसे ऑपरेट होता है, कितना उसे पावर कंजम्पशन चाहिए होता है, और उसके पार्ट्स के बारे में, उसको कहाँ से किस पार्ट्स को क्या बोला जाता है, और उसका जितना है बेसिक चीज़, फंक्शन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, पावर कितना लेता है, पार्ट्स के बारे में, पानी कितना, पानी कहाँ से निकलता है, अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो छोटा मोटा, तो आप उसे कैसे खुद से बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है कि जब आप कपड़ा धुल रहे हैं, जब आप कपड़ा धुल रहे हैं तो डिटर्जेंट के बारे में पूछ देगा कि आपका कितना पानी डालेंगे, कितना कपड़े के लिए कितना डिटर्जेंट लगेगा, तो कैसे कपड़ा साफ होगा, तो यह आपका पूछेंगे। कितना वॉशिंग मशीन में कौन सा कपड़ा धुल सकते हैं, कौन सा नहीं धुल सकते हैं, कैसे धुलना है, इन कपड़ा के बारे में भी पूछेंगे। और ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग क्या होता है, ड्राई क्लीनिंग कैसे किया जाता है, ड्राई क्लीनिंग का केमिकल का नाम बताइए, कैसे कौन सा केमिकल और किन किन कपड़ों का किया जाता है, कौन सा फाइबर है, इन सब के भी बारे में आप जान लीजिएगा। ओके, अब देखिए आप कपड़ा धुलेंगे, जब आप कपड़ा धुलेंगे तो कपड़ा को प्रेस कौन करेगा, कपड़ा को प्रेस मतलब इस्त्री यानी कि आयरन, कपड़ा को आयरन करने के लिए भी चाहिए ना, तो कपड़ा को आयरन कौन करेगा। अब कपड़ा को तो आप ही धुल रहे हैं, आप ही लोग में से कोई तो आयरन करेगा, और ये जो है कपड़ा आपको किसका धुलना होता है, गाँवों से कोई लाएगा कपड़ा आपके लिए, कौन ला के देगा कि आपको कपड़ा धुलना रहेगा। वहाँ पे जो रंगरूट होते हैं, जो लोग ट्रेनिंग पर जाते हैं, जैसे कि अभी जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं मेरिट लिस्ट आपकी जो 1280 वाली पोस्ट की 2021 की आई हुई है, उसमें जितने कैंडिडेट जा रहे हैं तो लोग ट्रेनिंग करेंगे, तो ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें कपड़ा धुलेंगे, उनको उतना इतना बिजी शेड्यूल होता है। अगर आप कभी कोई ट्रेनिंग सेंटर पर गए होंगे, वैसे तो अलाउ नहीं होता है, गए होंगे तो अंदर देखे होंगे, वहाँ पर चार्ट लगा होता है बाहर, बैरक के चार्ट लगा हुआ होता है, इतने बजे इतने ऐसे 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 पूरा हफ्ता भर का या एक महीना दो महीने का शेड्यूल आके लग जाता है कि इतने बजे से उठना है, इतना चार बजे से उठना है और रात को जाके आपको सोना है, तो उसमें टाइम ही नहीं मिलता है। जब टाइम नहीं मिलेगा तो कपड़ा कहाँ से धुलेगा, तो रंगरूट का कपड़ा आपको धुलना पड़ता है। और किसका कपड़ा धुलना होता है, ऑफिसर्स का भी कपड़ा आपको धुलना पड़ता है, कुछ जवानों का भी कपड़ा आपको धुलना पड़ता है, पूरा आपको यानी कि अंदर का ही आपको कपड़ा धुलना होता है। और उसे जब धुल देंगे तो प्रेस व्रेस आयरन करना होगा, जब आयरन करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए पता होना चाहिए कि किस कपड़े पे कौन, किस कपड़े पे कितना टेम्परेचर देना है,
कौन सा कपड़ा आपको आयरन करना है, पता चला पॉलिस्टर का गए और 200 डिग्री मार के कर दिए खत्म कपड़ा आई, और वह कपड़ा लेने तो बोल रहे कपड़ा तो जल गया हा? तो कैसे काम चलेगा। और पूछ देंगे बेसिक क्वेश्चन कि आपका जो आयरन होता है आयरन का टेम्परेचर एक नॉर्मल कितने से कितने बीच डिग्री के बीच में रहता है, काफी कैंडिडेट इसी में आउट हो जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन में ट्रेड टेस्ट में नंबर ऑफ रिजेक्शन द रेट ऑफ रिजेक्शन इज वेरी हाई, छटने का जो दर रहता है छटने का बहुत ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू फिजिकल। तो आपको टेम्परेचर पूछ देंगे, टेम्परेचर आपका कितना 150 से 220 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, कौन से कपड़े पे आपको आयरन करना है, कौन से कपड़े पे कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, फाइबर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को, इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लीजिए दिमाग में, और इसको रिसर्च करके, रिसर्च करने के बाद आप इसको पूरा एकदम समझ के जाइए, आपका फिजिकल आ ही गया है। ठीक है, फिजिकल जब आ गया है तो अभी से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, फिजिकल आपका कब है, सितंबर में से चालू है सभी का, सितंबर से चालू होगा आपका, अक्टूबर पर मिड तक आपका जाने की संभावना है। उसके बाद आते हैं आपके रिटर्न वाले पोर्शन पे जब आते हैं तो आपका रिटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। रिटर्न आपका जैसे कुक, सफाई, मसालची, बार्बर इन सब का होता है, उसी तरीके से इसका भी होता है आपका वॉशरमैन का। वॉशरमैन में आपका कितने क्वेश्चन आते हैं, रिटर्न में 100 क्वेश्चन आते हैं, सेम वैसे ही पैटर्न रहता है। आपको अगर तैयारी करना है तो आप किस कहाँ से कैसे तैयारी कर सकते हैं, जो SSC GD का पेपर होता है आप उसको दे देंगे, आप उसको दीजिए और ये अपना आसानी से निकल जाएगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं, अगर आपका उसमें 80-80 स्कोर आ जा रहा है, 70-80 के बीच में, तो आपका इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांस रहे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग आपका अभी तक तो फिलहाल नहीं आया है। तो यही इस वीडियो में आपका इतना ही आपको बता दिया वॉशरमैन ट्रेड टेस्ट का, और भी अन्य अन्य ट्रेड का मैं इसके पहले वीडियो डाल चुका हूँ और आगे भी आपका वीडियो आएंगे, चाहे ब्रिज रोड क्लर्क, रिलीजियस ऑपरेटर, रिलीजियस टीचर ऑपरेटर, रेडियो, नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मरर, AYA, सभी का वीडियो इस तरीके से धीरे धीरे आते रहेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और देख रहे हैं पसीना वसीना आ रहा, तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, और ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।